मुझे इतना याद है कि वो लोगों को अपनी बातों से बड़ा मनोरंजन उनका बड़ा करते थे, तो नो डाउट वो उसके लिए जाने जाते हैं पूरी इंडिया में, तो वो उनका फ्लेवर मुझे बड़ा पसंद है जिस तरीके से वो बात करते हैं। बाढ़ पीड़ित के टाइम पे आप भी गए थे, लोगों के पास बीच में जी मिले जुले, सबको कुछ ना कुछ बांटा। जी अभी एक्टिविटी बिहार में अभी कुछ होने वाला है नया कुछ? एक्चुअली होने वाली थी लेकिन मैं यहाँ नहीं थी, दुबई में थी, उसके वजह से मैं वो प्रॉपरली कर नहीं पाई। और फिजिकली जाके मैंने इस बार कुछ भी इसलिए नहीं किया क्योंकि कोविड के चलते काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस और प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते थे, तो मैं कहीं उसका उल्लंघन नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब सब कुछ शुरू हो गया है तो अल्टीमेटली मेरी एक्टिविटीज़ भी शुरू हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश और बिहार के खास दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे सिनेमा को लेकर के, पॉलिटिकल एक्टिविटी को लेकर के? मैं यही कहूँगी, यहाँ पे तो फिल्म सिटी आ गई है, बिहार में भी आ जाए। और जितने लोग मुंबई से यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं और जिनको रोज़गार नहीं मिलता, हो सकता है कि इसके ज़रिए सबको रोज़गार मिल जाए, सबको काम मिल जाए, तो सबकी दुआएं भी होंगी, सबको रोज़गार भी मिलेगा, तो यहाँ पे एक इनकम भी बढ़ेगी। सो मैं यही कामना करती हूँ कि जल्दी से जल्दी फिल्म सिटी आ जाए दोनों जगहों पे। इन 5 फिल्मों में जैसे प्रोड्यूसर प्रेम राय जी हैं, उनको कुछ कहना चाहती हैं? मैं सभी को कहूँगी कि डायरेक्टर्स को अच्छी फिल्में करने का मौका नहीं मिल पाता है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छे सेटअप है जहाँ पे सभी डायरेक्टर्स को अपना अपना टैलेंट दिखाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, अच्छी प्रोडक्शन हाउस है, तो अच्छी फिल्में बनाएं जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री का उत्थान होने में उनसे मदद मिले। थैंक थैंक यू सो मच। यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.